हरी राय हर कृष्ण गोर बार तेग बहादुर चंद दसवें गोबिंद सिंह गोर नमो चरण अरबिंद। हरी राय हर कृष्ण गोर बार तेग बहादुर चंद दसवें गोबिंद सिंह गोर नमो चरण अरबिंद। जिस मह अमृत ज्ञान है माणक भगत बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उद्द बंदों कर अनुराग एकंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहे गुरु जी की फतेह बिघन विनाशन सोए। एकंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहे गुरु जी की फतेह बिघन विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। चौपाई पुन मेला बैसाखी केरा वाहिगुरु आए मिलियो गुर निकट कनेरा। अनक अकोरन लगे अंबारा दर्शन करहें लहे सुख रसा। पुन मेला बैसाखी केरा। सच्चे पातशाह गरीब नवाज दीन दुनिया दे मालक चवर छत्र तख्त दे मालक समर्थ गुरु प्रतख गुरु दीन दयाल कृपाल अंतरयामी पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर वाहिगुरु अकाल पुरख जी दे सरगुण स्वरूप दासां गरीबां सिखां सेवकां साडे सारयां दे उत्ते कृपा करन वाले दया करन वाले रहमतां करन वाले बख्शिशां करन वाले धन धन सच्चे पातशाह गरीब नवाज सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। बड़े ही प्यार दे नाल सारियां संगतां दोवें हाथ जोड़ो गज के आखो जी धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सच्चे पातशाह गरीब नवाज साहिब जी दी पवित्र पावन हाजरी दे विच सुभाए मान गुरु जी दी प्यारी साजी नवाजी संगत जी आप जी बड़े ही प्यार नाल सतगुरु जी दे दर्शन दीदारे कर रहे हो। गुरु जी ने अपने सारिया उत्ते कृपा की है संगत करन दा सुभाग भरिया समा सतगुरु जी ने आपां नूं बख्शिश किया है। आओ प्यारियो गज के सारी संगत फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। लड़ीवार कथा सच्चे पातशाह श्री गुरु हर राय साहब जी महाराज जी की आप जी सरवण कर रहे हो। प्रसंग जिहड़ा चल रहा है महाराज श्री करतारपुर साहब जी की धरती दे उत्ते सुभाईमान हन। हजूर महाराज ने श्री करतारपुर साहब जी की सारी पुरातन कथा जिहड़ी है गुरसिखां दे मुखारबिंद तों सरवण कीती है। इत्थों एक गल दा पता लगदा है कि जिहड़ी कथा गुरु साहब आप सुन रहे हैं वह सतसंग जी गुरु जी के सिखां वास्ते सुननी कितनी जरूरी हुंदी है। महाराज जी के इतिहास की कथा सुनिया सतगुरु जी की कथा सुनिया मन दे विच आनंद बैराग सुख की प्राप्ति हुंदी है। हजूर महाराज गरीब नवाज श्री गुरु हर राय साहब जी महाराज जी श्री करतारपुर साहब जलंधर वाले उस धरती दे उत्ते सतगुरु जी सुभाईमान हन। आप जी ने सरवण किया हजूर महाराज जी दे कोल भाई भगतू जी आए हैं। भाई भगतू जी का जन्म चौथे पातशाह श्री गुरु रामदास साहब जी दे पवित्र बचना दे नाल वर दे नाल भाई भगतू जी का जन्म होया सी। भाई भगतू जी दे पिता जी बाबा आदम जी सतसंग जी बजुर्गी की अवस्था विच सन। उदों तक घर विच कोई पुत्र धी नहीं सी। गुरु रामदास साहब जी नूं खुश कीता सेवा कर करके वर लए। महाराज जी ने कृपा की बजुर्गी दे विच उन्हां नूं फिर
ਇਹ ਵਰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਚਿੱਤ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਸਤਿਵਚਨ ਕਰਨਾ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਤਲਖੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰਬਲੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸਤਿਵਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਅਤੇ ਬਚਨ ਚੇਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਨਵਾਂ ਚਰਖਾ ਸਹੇੜ ਲਓ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਇਕੱਲੇ ਹੋ, ਨਵਾਂ ਚਰਖਾ ਸਹੇੜਨ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਵੀ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਵੇਖੋ ਕਈ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸਾਕਾਰ ਕਮਾਵਹੋ, ਗੁਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਕਾਹੇ ਤਾਵਹੋ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਕਮਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਸਾ ਪਾਸਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਐਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹੋ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੋ ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੇਖੋ ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵਚਨ ਪਾਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡਾ ਵਚਨ ਮੰਨ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਸੁਣੀਏ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਖੋ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਪੁੰਨ ਮੇਲਾ ਬੈਸਾਖੀ ਕੇਰਾ। ਫਿਰ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੈਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਆ ਗਿਆ। ਆਏ ਮਿਲਿਓ ਗੁਰ ਨਿਕਟ ਕਨੇਰਾ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ। ਅਨੇਕ ਅਕੋਰਨ ਲੱਗੇ ਅੰਬਾਰਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ, ਪੇਟਾਵਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਹਿ ਲਹੇ ਸੁਖ ਸਾਰਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਧੀਰਜ ਦੇ ਘਰ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜ ਦਿਵਸ ਲੱਗ ਮੇਲਾ ਰਹੇ। ਪੰਜ ਦਿਨ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ।
पांच दिन तक संगत आउंदियां रहियां, कथा कीर्तन होया, खूब लंगर लगे, पांच दिन बहुत वड्डा मेला लगा रहा। सुख सो सतगुर दर्शन लहेओ। संगत ने बड़े सुख नाल अपने सतगुरु अपने मालक गुरु हर राय साहब जी दे दर्शन कीते जी। निज निज सदन गए पुन सारे। फिर पांच दिनां बाद छुट्टियां लै के आग्या लै के आपो अपने घरां नूं सारे वापस चले गए। पाए कामना सुजस उचारे। जिन्हें जो जो मंगिया गुरु जी दे दर्शन करके उन्हूं ओ मिलिया जी। सारे बड़े प्रसन्न होए जी। जान अंत तन को तब भाई। हुण भाई भगतो जी नूं पता लग गया भी मेरे शरीर त्यागण दा समा आ गया जी। आखो वाहे गुरु। एक ते हुंदा भी बजुर्गी बड़ी है ते शरीर नूं रोग लगा ते बंदे नूं पता लग जांदा भी हुण अपनी ही फतेह ही है भी हुण मेरी मौत हो जानी है। एक आम बंदियां नूं इंज भी पता लग जांदा। एक हुंदा कमाई ना पता लगना भी कमाई होनी भजन दी सिमरन दी कमाई होनी। कमाई नाल पता लगना कमाई वालियां नूं पता लगदा जी। सो भाई भगतू जी की कमाई बहुत है जी। सो भाई भगतू जी नूं पता लग गया कि मैं अपना शरीर त्याग देना जी। महाराज बाणी विच कृपा करदे बख्शिश करदे आ। गुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी का वचन हैगा है, क्या जाना किव मरहेंगे कैसा मरना होए। कोई नहीं पता कदों मौत होनी है जी। फिर मौत आनी किस तरह की है कैसा मरना होए ये भी नहीं किसी नूं पता जी। पर भाई भगतू जी नूं पता लग गया जी कमाई है ना जी। हाँ जी पुर करतार रहे हो सुखदाई। इस करके भाई भगतू जी माल विच वापस नहीं गए। भाई भगतू जी नूं इह सी भी मैं शरीर ते त्यागना ही है ते गुरु हर राय साहब जी दे चरणां च शरीर त्यागा। इस करके भाई भगतू जी वापस नहीं गए। सारियां संगतां मेले तो बाद वापस चले गईयां पर भाई भगतू जी करतारपुर साहब ही रहे जी। हाँ जी केतक दिन मैं पार कर रहे हो। हाँ जी अतिसार को संकट लहे हो। थोड़े दिनों बाद अतिसार लग गए जी जिन्हों आपां दस्त कहने हैं जी। पेट विच टिके ही कुछ ना जी अतिसार लग गए। हाँ जी देख देख सिख उर बिस्माए। गुरु दे सिख वेख के बड़े हैरान होए भी एडे वड्डे गुरु दे सिख ते इन्हां नूं भी दुख झलना पै गया। कई वारी बंदा हैरान हुंदा जी जदों कोई बहुत रब दा प्यारा भी दुखी होवे ना उहदे शरीर नूं कष्ट आवे ते आम बंदे सोचदे भी इह तां इन्ना नाम जपदे ते जे इह दुखी हैगे ते साडा की बणेगा जी। पर विचों खेड कुछ होर हुंदी है। सिख बड़े हैरान भी भाई भगतू जी नूं नाले ते ब्रह्म ज्ञानी सारे कहिंदे आ ते नाले भाई भगतू जी इन्ने ज्यादा दुखी ने। हां इन्हो कष्ट क्यों दीर्घ पाए। सवाल पैदा होया भी भाई भगतू नूं इन्ना दुख क्यों लग गया। इन्ना दुख अतिसार इन्ने जबरदस्त लगे पए है। हाँ जिनके सिख सें करे अहं। फिर होर गल ध्यान ना सुनियो भाई भगतू जी नूं मन्नण वाले सैकड़े लोग सन जी। एक तां ना भी भाई भगतू जी गुरु साहब नूं मन्नदे भाई भगतू जी दी सिक्खी सेवकी बहुत सीगी जी भी हजारां लोग इन्हां नूं मन्नदे आ पर भाई भगतू जी इन्ने दुखी ने। हित परलोक भरोसे रह। परलोक वास्ते वो इन्हां दे भरोसे रहिंदे भी भाई भगतू जी अगों साडी बांह फड़नगे। हुण जिहदे भरोसे होईए भी इह अगे जा के साडी बांह फड़ेगा वो आप भी दुखी होवे ते भरोसा रखण वाले भी सोचदे भी असीं गलत बंदे उत्ते तां नहीं भरोसा रख लिया। हाँ जी इम विचार करके तक मिले। जिहठा परे तहां को चले। कुछ गुरु दे प्यारे कट्ठे हो के भाई भगतू जी दे कोल गए जी जिथे भाई भगतू जी बहुत दुखी होए आराम करन दे सीगे जी। देखियो अतिसार को रोग। उन्हां वेखिया
भी अति सार दा रोग लगा जी। वाहिगुरु बख्श लवे साध संगत जी, पर खेड दा पता नहीं होंदा जी। कई अपने कर्म भोगते है, कई दूजिया के कर्म भी भोगते जे जी। उन्हें वेख्या भी अति सार लगे पे है, जिन्हों आप कहने ना जंगल पानी बिस्तरे ते ही, वह हाल होया पिया सीगा जी। हाँ जी, दुर्बल देहे रहे ओ दुख भोग, शरीर बड़ा कमजोर हो गया भाई भगतू जी का, शरीर बड़ा कमजोर है ते रोग बड़ा वड्डा लगा पिया। बंधन कर बैठे टिक जाए, वो भाई भगतू जी नू नमस्कार करके ना गुरु दे सिख भाई भगतू जी दे लागे बैठ गए। बुझन लगे होए समुदाय, सारे कठे हो गए ते भाई भगतू जी नू पुछन लगे। फिर गल ध्यान ना सुनियो, कई बारी बंदिया नू शंका हो जांदा भी ये इन्ना नाम जपदे है ते जे ये इन्ने दुखी है ते आम बंदे दा की हाल होएगा। ते कई बारी पता दुनिया च की वेख्या, जेड़ा नाम नहीं जपदा वह सगों बड़ी टौर में तुरिया फिरदा, ते जेड़ा नाम जपदा उन्हूं कोई ना कोई दुख घेरी बैठा हुंदा जी। जदों तुसीं ये प्रसंग ध्यान नाल सुनोगे फिर पता लग जाएगा सारी गल दा। हाँ जी, तुम गुर के सिख पूरन अहो, भाई भगतू जी नूं कहिंदे भाई जी तुसीं ते गुरु दे पूरन सिख च, बड़े वड्डे सिख च, बड़े वड्डे मुखी सिख च। अंत समय किम बड़ दुख लहो, ते तुहाडा अंतम समा आया इन्ना वड्डा दुख मिलन दिया तुहानू, इन्ना वड्डा कष्ट, इन्ना दुखी समा आ रहा तुहाडे ते। सिख हजारों रावर केरे, सगों तुहानू मनन वाले बड़े लोग बैठे है, तुहानू मनन वाले। हाँ जी, सो सहायता चाहे अगेरे, वो ते चाहुंदे है भी तुसी उन्हां दी अगे जाके सहायता करो, पर तुसी ते आप बहुत दुखी हो, इन्ना वड्डा दुख भोग रहे हो। जे तुम सके ना अपन हटाए, किम दासन के बनो सहाए, ते जे तुसी अपना ही ना दुख दूर कर सके ते संगी साथियां नू किवें तारोगे। आखो वाहेगुरु वाहेगुरु, संगी साथियां नू किवें तारोगे। गल भी ठीक सीगी जी। हाँ जी, सुन भाई भगतू तब कहो, भाई भगतू जी हुण उत्तर देंदे, सुनियो जरा। भाई भगतू जी ब्रह्म ज्ञानी ने, कोई छोटी हस्ती नहीं हैगी। भाई भगतू जी उत्तर देन लगे जी, हमने जान इतो दुख लहियो। भाई भगतू जी कहिंदे प्यारियो मैं जान के दुख भोग रहा, कहन लगे। आखो वाहेगुरु वाहेगुरु, दुनिया के जिन्हें भी लोग ने सारे सुख मंगते, दुख नहीं च कोई मंगता। सुख को मांगे सब को, दुख ना मांगे कोए, बाणी महाराज की कहती है। भाई भगतू जी कहते भी मैं जान के दुख लिया है, मैनू पता है मेरे कर्मा का नहीं है, पर मैं जान के लिया, कह लगे। हाँ जी, गोधन लूट लूट बहु लियाए, हमरे सिख विराट समुदाय। भाई भगतू जी ओ क्यों, भाई भगतू जी कहते सुन लो, मालवे दे विच बहुत सारे बराड़ वह सानू मनदे है। संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा जी भी बराड़ सन जी, महापुरख बराड़ सानू मनदे है कहिंदे, ते बहुत सारे बराड़ गावां मझां दा दुध वेचदे है कहिंदे। हाँ जी, तिन तिनन को दुग्ध बिसाला, हमको देत रहे सब काला। पर उन्हां दी कमाई नहीं शुद्ध हैगी कहिंदे, कमाई नहीं शुद्ध हैगी, सच्ची सुची किरत नहीं हैगी, पर वह सानू मनदे, सानू प्यार करदे, वह सानू दुध देंदे रहे कहिंदे लिया के, असीं वह दुध छकदे रहे हां। साडा अपना कोई कर्म नहीं हैगा, साडा अपना कोई कर्म नहीं हैगा जिहदे करके सानू दुख मिले, पर उन्हां ने जिहड़ी माड़ी कमाई असीं खांदे रहे ना उहदा हिसाब सानू देना पै रहा है, इन्ना असर जे माड़ी कमाई का जी। इस करके रब दे प्यारे
पुछ लेंदे है भी भाई तुहाडा काम कार की है, की काम कार करदे आ। जैसा अन्न वैसा मन, ये तो भाई भगतू जी ब्रह्म ज्ञानी ने, उन्हां ते असर नहीं होया। नहीं तो चोरी का पैसा खा के बंदा जबरदस्ती चोर बन जाता जी, चोरी का पैसा खा के जबरदस्ती चोर बनता है। किरत दे उत्ते करम है, किरत दे उत्ते करम। बाणी की पंक्ति तुहानू सब नू आउंदी है, किरत करम के विछड़े कर किरपा मिलो राम। जेहो जी बंदा किरत करता है, जेहो जिहा कारोबार करता है, ओहो जे कर्म बन जाते जी। एक राजे ने एक संतां नू अपने घर रखिया। संत बड़े वधिया सीगे, बहुत चंगा आचरण सी। राजे की श्रद्धा बज गई, वह कहिंदा संत जी जिथे मैं रहिंदा है ना, साडे नाल दे कमरे च रहो, ते जिथे असी इशनान पान करदे हां उत्थे तुसी करो, जो असी छकदे हां तुसी छको। ठीक है, कहिंदे सब तो पहला संत जी इशनान करदे, फिर राजा ते फिर राणी। राणी ने अपना हार ला के उत्थे रखता 9 लखा, उहनू चेता भुल गया जी, उत्थे ही पिया रहा। अगले दिन तड़के जो संत इशनान करन गया, ते संत ने हार वेखिया ते जेब च पा लिया। 2 दिनां बाद राणी नू चेता आया भी हार नहीं लभ रहा। उन्हें अपनियां गोलियां नू, सेवादारनियां नू, सारे किते रौला पाया। गल राजे कोल भी पहुंची, हुण 9 लख दा हार बड़ी वड्डी गल है। ते राणियां राजियां वास्ते 9 लखी चीज रखना, यह बड़ी वड्डी माण दी गल हुंदी सीगी। उन्हां ने बड़ा लुभाया, अखीर राजे ने खेड़ा ही छड़ता भी नहीं लभदा। हफ्ते कु बाद उस संत ने वह हार जिहड़ा सी ना जी, वह राजे दे अगे रखिया, लिया के कहिंदा मैं चोरी कीता। राजा बड़ा हैरान होया भी संत जी तुसी हार चोरी कीता, मैं नहीं मान सकदा। कहिंदे मैं आप कह रहा मैं चोरी कीता। ते राजा ने सुन लिया, मैं धार्मिक ग्रंथां अनुसार पढ़िया है भी कर्मां दी सजा जां तां इत्थे लै लो जां अगे लै लो, ते मैं अगे नहीं लैणा चाहुंदा, मैं इत्थे ही लैणा चाहुंदा, ते तूं इंज कर मेरे हथ वढ दे। चोरी दी सजा ये है भी जिन्हां हथां नाल मैं चोरी कीती उह हथ वढ दिओ। राजा कहिंदा हुण तुसीं संत चे, मैं इह कम नहीं कर सकदा, मैनूं 2 दिन दा टाइम दिओ। उन्हें अपने वजीरां नाल गल कीती जी। वजीर कहन लगे कि संत जी ओ राजन सानू भी टाइम दे। 2 दिनां बाद वजीरां ने रिजल्ट कढ़िया, कहिंदे चोर संत नहीं है, गलत संत नहीं है, राजन गलत तुसी जे, चोर तुसी जे। राजा कहिंदा हद हो गई, ना मैं हार चुकिया, ना मैं लिया के दसिया, ते मैं गलत किवें। वह कहिंदे फिर सुनो, तुसी एक सोने का काम करने वाले बंदे की दुकान जप्त कीती सी भी वह लोगों ना हेरा फेरी करता, धोखा करता, चोरी करता, उहदा घर बार समान दुकान सब कुछ तुसी जप्त कीता, उहदे घर का अन्न उहदी रसोई का अन्न तुहाडी रसोई च आया, उह संतां ने खाधा, संत दे पुन ज्यादा सीगे, चिट्टे कपड़े दे उत्ते साध संगत जी छोटा जिहा भी काला दाग आ जे ना उह ज्यादा नज़र आउंदा है, इहदे पुन ज्यादा सन, संत ते असर होया। वह कहिंदे गल सुनो, संत चोर नहीं सी, पर वह खुराक खा के अन्न खा के चोरी का अन्न सीगा, बेईमानी का अन्न सी, संत का मन भी बेईमान बन गया। जिन्ना चिर तक अन्न का असर रहा, संत ने हार लुको के रखिया,
ਜਦੋਂ ਅੰਨ ਦਾ ਅਸਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਤ ਨੇ ਹਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਸੂਰ ਸੰਤ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਸੂਰ ਤੇ ਅੰਨ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਨੇ ਖਾਧਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਧਿਆਨ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਕਿਰਤ ਧਰਮ ਦੀ ਕਰੋ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ। ਦੋ ਅਸੂਲ ਨੇ ਸੁਨਹਿਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖੇ। ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਕਮਾਈ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਵਾੜੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਾੜੀ ਕਮਾਈ ਆਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਮਾੜੀ ਕਮਾਈ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਕਮਾਈ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾੜੀ ਕਮਾਈ ਖਾ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਅੰਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬੰਦਾ ਛੇਤੀ ਵਲੇਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਲਿਆ ਕੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਛੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭੋਗਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਲੇਖਾ ਅਬ ਇਹਾਂ ਨਿਬੇੜੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਿਬੇੜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਲੈ ਕਰ ਗਮਨੈ ਨਾਹੀਂ ਅਗੇਰਾ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਲੇਖਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਸੀ, ਲਿਆ ਲੇਖਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੇਖਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਪਰਲੋਕ ਸਿਧਾਏ, ਅਸੀਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿੰਦਿਆਂ ਜੀ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿੰਦਿਆਂ ਜੀ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਚਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਫਲ ਲੈਣਾ। ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਫਲ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਫਲ, ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਮੁੱਕਣ ਦਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁਕਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਿਜ ਸਿੱਖਣ ਕੇ ਬਨੈ ਸਹਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣ ਕੇ ਸਭ ਹਿੰਨ ਸੀਸ ਝੁਕਾਏ, ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ। ਧੰਨ ਹੋ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਧੰਨ ਅਲਾਇਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਧੰਨ ਨੇ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋ ਸਾਰੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਭਗਤੂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਮ ਕੇਤਿਕ ਦਿਨ ਦੁੱਖ ਕੋ ਪਾਏ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਈ ਦਿਨ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ, ਕਈ ਦਿਨ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇਖੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਜੀ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ। ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਚੁੱਲਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਖੋਵਾਲ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੀਸਾਰ ਨਿਤ ਚੱਲਿਓ ਸੋ ਜਾਏ, ਸੋ ਦਸਤ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰਤ ਤਨ ਕੋ ਤਿਆਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ
अखीरले समय तक याद किया ते भाई भगतू जी फिर शरीर त्याग गए जी। गुरमुख जन्म सवार, गुरमुख जन्म सवार, दरगह चलिया, दरगह चलिया, जन्म सवार। संत बाबा अजीत सिंह जी हंसाली वाले, बहुत सारिया ने उन्हों का नाम सुनिया होगा, कई ने उन्होंने दर्शन किए होंगे। उन्होंने महापुरखों के चेहरे के ना मौके बड़े सी जी, बड़ा मौकों के नाल महापुरखों का चेहरा भरिया वेखण विच होर तरह का रूप लगता से। वड्डे वड्डे गायक जड़े है ना, सरतिंदर सरताज वर्गे होर वड्डे वड्डे, वो बाहर बैठे रहिंदे सी भी महापुरख कुंडी कदों खोलण। जदों कुंडी खुलदी सी ना उदों फिर दर्शन हुंदे सी उन्हां दे जी। महापुरखां दे चेहरे ते मौके बड़े हैगे। मैं महापुरखां दा बचपन दा फोटो देखिया, बिल्कुल चेहरा साफ सी। जवानी दा भी देखिया, बिल्कुल चेहरा साफ सी। फिर पता कीता भी ये मौके क्यों होए सी, दस्या भी महापुरखां नूं एक बच्ची बड़े प्रेम नाल हर रोज़ प्रशादा छकाउंदी हुंदी सीगी। उहदे चेहरे ते मौके सी, उहदी शादी नहीं सी हुंदी। महापुरख कहण लगे कोई नहीं, विआह तेरा होएगा, तेरे मौके मेरे चेहरे ते आ जाणगे, तेरा चेहरा साफ हो जाएगा। वो इसे तरह होया जी, वह रात आराम करन दा ही है, दिने सारा चेहरा उहदा साफ हो गया। उहदे चेहरे ते जिहड़े मौके सी उह बाबा अजीत सिंह जी हंसाली वालिआं दे चेहरे दे उत्ते आ गए जी। इस तरीके नाल गुरमुख संगी साथियां दे भी दुख कर्म जिहड़े आ उह लै लैंदे आ अपने उत्ते। भाई भगतू जी ने इस तरीके नाल शरीर त्यागया। अति सार नित चलियो सो जाए, श्री हर राय सुनत चल आए। गुरु हर राय साहब जी नूं पता लगा, क्योंकि महाराज भी करतारपुर साहब च है, महाराज नूं पता लगा भी भाई भगतू जी ने शरीर त्याग दिता। हांजी, संग मसंद दास समुदाय, ते गुरु साहब अपने नाल बहुत सारे सिखां नूं लै के दाह देन की कीनस त्यारी। महाराज ने आप तैयारी करवाई भी भाई भगतू जी दे शरीर दा सस्कार करना है। हांजी, रचियो बिबान लाए धन भारी, खुली माया लवा के महाराज ने बिबान तैयार किया जिदे विच भाई भगतू जी दा शरीर रखना है। नगन चरण ते संग सिधारे, कमाल दी गल है, भाई भगतू जी दा शरीर बिबान च रखिया ते जदों भाई भगतू जी नूं लै के तोरिया ना, जिन्हों आपां अंतम यात्रा कहने, ते गुरु हर राय साहब सच्चे पातशाह जी ने चरणा च जोड़ा नहीं पाया जी। गुरसिख कहिंदे महाराज चरणा च जोड़ा पाओ, महाराज कहिंदे ना प्यारिओ, भाई भगतू जी ब्रह्म ज्ञानी हन, इन्हां दी अंतम यात्रा विच असीं नगन चरण जाना है, नगन चरण। सो जिन्हों आपां नंगे पैर कहने, महाराज इसे तरह ही साध संगत जी नाल अगे गए। वहर गए मिल गए सिख सारे, सारे सिखां दे नाल सच्चे पातशाह नंगे चरण भाई भगतू जी दे शरीर दे पिछे पिछे गए है। क्यों? बंदगी वालियां दा गुरु साहब खुद सत्कार करते है। हांजी, काष्ट संचय कर इकठाए, दियो चिखापुर पौन पढ़ाए। सो लकड़ां सजाईयां, चिखा बनाई, फिर भाई भगतू जी का शरीर उत्ते सजा दिता। भए त्यार लांब के हेत, निज सिख को गुर कृपा निकेत, हाथ बंद सिख ब्रिंद मसंद, करें हटावन हे सुख कंद। हजूर महाराज गरीब नवाज गुरसिखा नूं कहिंदे भाई लांबू तैयार करो। लांबू तैयार किया ते जदों महाराज गरीब नवाज सच्चे पातशाह आप अगे होए ना जी। हाँ जी, करहो अपर को हुक्म कृपाला, दे लांबू सिख हैं जो बिसाला। गुरु साहब दे सिख सियाने सिख कहिंदे सच्चे पातशाह महाराज आप रहन दिओ, कोई होर सिख लांबू ला दवे, कोई होर सिख काम कर दवे,
बड़े बड़े वड्डे सिख ने ये कार्य करन वास्ते। हाँ जी, सुन गुर कहो उचित है हमको, इसकी सुध ना हिन कुछ तुमको। श्री वाहे गुरु। क्योंकि कई नवे रलते हैं ना, तो जेड़े नवे रलते हैं उन्होंने पुराने का नहीं पता होंदा। महाराज कहिंदे तुसी लंबे हो जो, तुहानू पता नहीं है गुरु का सिख कौन है। ये कार्य सानू ही करना चाहिए। हाँ जी, रामदास गुर बड़े हमारे, तिन को अंश जन्म एह धारे। हुण महाराज कहिंदे फिर सुन लो, ये गुरु रामदास जी दे पुत्र ने। सारे हैरान होए भी महाराज गुरु रामदास जी दे पुत्र ने। महाराज कहिंदे हाँ, क्योंकि बाबा आदम जी गुरु रामदास जी दे घर च बहुत सेवा करदे सन। बजुर्ग हो गए सन तां वी पुत नहीं सी होया, धी नहीं सी होई। महाराज खुश होए, महाराज ने बाबा आदम जी नूं कहा मंग की मंगना है। बाबा आदम ने सिर फेर दिता, क्योंकि चिट्टी दाढ़ी वेखी भी मैं पुत मंगांगा लोग की कहणगे। कहिंदे महाराज दर्शन ही दिओ अपने। महाराज कहिंदे नहीं, जो मन च हैगा ना वह मंगो, जाओ घरों सलाह करके आयो। घरवाली भी बजुर्ग सी, अपनी घरवाली नूं कहिंदे भी अज गुरु रामदास जी कहिंदे सी मंग, पर मैं संगदा नहीं मंगिया। कहन लगी कल जरूर मंगियो। अगले दिन फिर गए, महाराज कहिंदे बाबा आदम मंगो। बाबे आदम ने फिर दाढ़ी वेखी अपनी चिट्टी, भी लोग की कहणगे बुढ़ा हो गया अजे भी धी पुत मंगदा फिरदा। कहिंदे नहीं महाराज तुहाडे दर्शन ही। महाराज कहन लगे नहीं, कल नूं आयो फिर सलाह करो। दूजे दिन घरवाली कहन लगी क्यों नहीं जे मंगया। तीजे दिन संगदियां गए ही नहीं। गुरु रामदास जी ने सिख भेजिया अपना, भी जाओ बाबे आदम नूं सद के लैके आओ। बाबा आदम जी नूं सिख सदन आया, घरवाली कहन लगी तुसी नहीं मंगना मैं मंग लैनी है। दोवें जी आए, बजुर्ग जोड़ा। गुरु रामदास साहब कहिंदे बाबा आदम मंगो। घरवाली कहिंदी जी ये नहीं मंगदे, मैं कहनी हाँ साडी जायदाद सांभण वाला कोई नहीं, किरपा करो पुत होवे साडे घर। गुरु रामदास जी ने नेत्र बंद किते, बाबा आदम जी का जीवन देखिया। महाराज कहन लगे बाबा आदम अगले सत जन्मां तक तेरे घर धी पुत नहीं हो सकता। घरवाली कहन लगी सच्चे पातशाह तुसा आप आवाज मार के घरों सद्या, हुण जरूर किरपा करो। गुरु रामदास साहब कहन लगे चार पुत्र साडे घर होने सन, तिन्हां दा जन्म हो चुका है, जिहदा जन्म साडे घर होना सी ओह हुण तुहाडे घर होएगा। ये बचन सच्चे पातशाह ने किया, इतिहास च लिखे हुए है सात संगत जी। महाराज गुरु हर राय साहब नहीं कह रहे, गुर रामदास गुर बड़े हमारे, तिनके अंश जन्म एह धारे। महाराज कहिंदे भाई भगतू जी गुरु रामदास जी दी अंश है। महाराज सच्चे पातशाह जी दे पुत्र ने। महाराज कहिंदे तुहानू की पता, असीं इन्हां दा आप सस्कार करांगे। हाँ जी, यां ते हमको उचित पछानो। इस करके सानू उचित है, ये साडे वड्डे वडेरे हन। लांबू देन भले मन मानो, सानू ही लांबू लाउणा चाहीदा। ये कार्य ये सेवा असी करांगे। इम कह के सतगुर हित धरियो, ये कह के बड़े प्यार नाल सत्कार नाल अपने हाथ दाहो सो करियो। धन गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह जी दी अंश, धन भाई भगतू जी दा श्री गुरु हर राय साहब जी ने अपने हथी संस्कार किया जी। अपने हथी जिन्हों का अपने हथी सतगुरां ने संस्कार किया, किड्डा वड्डा जप तप होएगा। हाँ जी, सर्ब क्रिया करके बिद नाल, कीन शनान कृपा कृकाल। हजूर गरीब नवाज जी ने सारी क्रिया
भाई भगतू साहब जी दी आप कीती। सने सने चल निज थल आए, सहजे सहजे फिर सारे करतारपुर साहब डेरे ते आ गए। बैठ जथो चित सिख समुदाय, सारे गुरु दे सिख बैठ गए। महाराज आप अपनी रसना तो भाई भगतू जी दे गुण सुनाउंदे आ जी। सारा जीवन भाई भगतू जी ने साध संगत जी कदे गुरु जी का बचन नहीं सी मोड़िया। छेती किते करामात नहीं सी विखाई भाई भगतू जी ने। भाई भगतू जी ते उन्हां दे माता जी गुरु अर्जन देव जी दे दर्शन करन वास्ते अमृतसर आए। मां बजुर्ग सी तुर के ही आउंदे सन उदों, ये छोटे सन। ते अमृतसर तो मालवे नूं जाण दे दर्शन करके वापस, ते मां कहण लगी पुत प्यास बहुत लगी है। अपने माता जी नूं कहण लगे, माता जी थोड़ी अगे पिंड है, आपां उत्थों पानी पीने हैं। मां थोड़े कदम तुरी बजुर्ग होण करके कहण लगी, पुत मैनू इउं लगदा मेरी जान निकल जानी, मैनू पानी पिया दे। कहिंदे मां इत्थे बह, भांडे नाल ही हुंदे सीगे, भांडा लिया। कहिंदे मैं पानी लैण चलना, जे मां तुहानू लगे कि जान ही निकल चली है पानी तो बगैर, इत्थे पई होई ढेम चुक लियो, पानी दा चश्मा प्रगट हो जाएगा। पर कमाल दी गल, वचन करके चश्मा प्रगट हो सकदा, पर फिर भी आप पानी लैण जा रहे, भी करामात नहीं विखाउणी। ते जदों गए ते मां को रहा ही ना गया, भाई भगतू जी पिंड पानी लैण लई गए, भज्जे गए ते भज्जे आ रहे आ। आउंदिआं नूं वेख्या ते जल थल होई पई सीगी जी, धरती चों ही पानी निकलन दिआ सी। पुछिआ मां इह की? कहिंदी पुत रिहा नहीं सी गिआ तां पाणी कढिआ, अज तक उह चश्मा उवें तुरिआ फिरदा जी मालवे दे विच जी। गुरसिखां दी कमाई है जी। हांजी, सुजस कहो श्री मुख ते आप, हजूर गुरु हर राय साहब ने आप सिफत कीती भाई भगतू जी दी। जिनके नाम लेत हत पाप, महाराज कहन लगे भाई भगतू जी महान सिख ने, ओ गुरु जी सिफत कह रहे ने कर रहे ने जिन्हों का नाम लिया पाप दूर होंदे आ जी। हां जी, इम केतिक दिन पुर करतार, इस तरीके नाल कई दिन धन गुरु हर राय साहब जी जलंधर दे एरिए विच करतारपुर साहब रहे जी। श्री हर राय बसे मद धार, बड़ी खुशी दे नाल प्रसन्नता दे नाल सच्चे पातशाह जी महाराज उत्थे रहे। बाहर कूच कीनो निज डेरा, फिर महाराज सच्चे पातशाह ने अपने डेरे नू कूच कीता कीरतपुर साहब नू। जंगल देश चहत चित हेरा, आखो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। महाराज ने सोचिया चले तां कीरतपुर साहब, गुरु दे सिख कहिंदे महाराज मालवे विच वी जा आईए। सो महाराज ने फिर मालवे विच जाण दा प्रोग्राम बनाया जी। हांजी, धौंसा तुंघारत चल आगे, अगे अगे नगारा वजदा हुंदा सी, क्योंकि 2200 घुड़सवार गुरु हर राय साहब जी दे नाल रहिंदे सी। अगे अगे नगारा वज रिहा, साथ मसंद सिख बड़ भागे, बड़े बड़े महान गुरु जी दे सिख मसंद सारे सच्चे पातशाह जी दे नाल हन। 2200 पट संग, 2200 घुड़सवार योधे शस्त्रधारी सच्चे पातशाह जी दे नाल हन। चढ़कर चंचल चलें तुरंग, बड़े बड़े कीमती घोड़े, बड़े बड़े वधिया घोड़े, जिन्हां दी उस समय च 225,000 रुपया कीमत सी, ओ गुरु दे सिखां कोल हन। उड़है धूल छादै असमान, सो बड़ी धूड़ उड़न दई है, सच्चे पातशाह महाराज खूब तेजी नाल मालवे विच जा रहे हन। होत हीरेखा हैन महान, ते साध संगत जी आसे पासे वाले लोग रस्ते विच महाराज दे दर्शन करके खुश हुंदे हन। ग्राम मुकंदपुरा एक थान, चलदियां चलदियां एक पिंड आया, जिस पिंड दा नाम है मुकंदपुरा। सने सने तेहे उतरे आन, सहजे सहजे सच्चे पातशाह जी ने
मुकंदपुरे उतारा कीता जी। आखो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु, गज के आखो वाहेगुरु। महाराज जी ने मुकंदपुरे पड़ा कीता, केतक दिन रहत हां बिताए, कई दिन सच्चे पातशाह मुकंदपुरे रहे जी। फिर गाडे किलक बिरश होए आए, उथे महाराज ने किला गड्डिया साह संगत जी, दास ने दर्शन किते आ, उथे अज रुख बनिया होया जी। महाराज सच्चे पातशाह गरीब नवाज जी ने किला गड्डिया, उथे बड़ा बड़ा रुख बनिया जी। अब लाओ तहां खरी तर बनी, हमने करी निहारन कनी। भाई संतोख सिंह जी कहते मैं भी वेखी है उस किले तो अगे हुण लागे कई रुख हो चुके है, पूरी वाड़ बनी हुई है, गुरु हर राय साहब जी का लाया होया किला। हाँ जी, कूच करियो तहते चढ़ चले। किले का भाव पता की हुंदा, भी लकड़ गड्डदे सीगे उहनू किला कहिंदे सी, उस लकड़ ना घोड़ा बजदा हुंदा सीगा जी। सो महाराज सच्चे पातशाह जी का घोड़ा महाराज ने बनाउण वास्ते गुरसिखां नूं कहा भी किला गड्डो। जदों किला गड्डिया गुरु साहब ने दृष्टि पाई, वह हरा भरिया होया, हुण भी उत्थे वह किले वाला रुख अज भी हैगा ते हरिया भरिया हैगा जी। हाँ जी, कूच करियो तहते चढ़ चले। उत्थों फिर गरीब नवाज महाराज कुछ दिन रहे उत्थे दी, उत्थों फिर अगे चाला पाया। सत द्रव सलिता उतरे भले, सतलुज दरिया गरीब नवाज महाराज ने उरे ते उतारा कीता। दक्षण दिशा करे मुख आए, जितहों पितामा जंग मचाए। फिर दक्षण वाले पासे नू महाराज ने मुख कर लिया, जिधर गुरु हर राय साहिब वाहिगुरु गुरु हर गोबिंद साहिब दादे गुरु ने जंग कीता सी। किथे कीता है भला? गुरुसर महाराज, आखो श्री वाहिगुरु। गुरुसर महाराज वाल सच्चे पातशाह जी ने फिर उत्थों मुख कीता। कुदरती असीं जदों गुरुसर महाराज दे दर्शन करन जा रहे सां ते रस्ते च मुकंदपुरा अस्थान दे दर्शन होए, हुण उहनूं हर रायपुरा ही कहिंदे आ, महाराज ने चरण पाए, उस नगर का नाम फिर हर रायपुरा रखिया गया। अज भी उत्थे ओह रुख खड़े आ, किन्ने ही रुख ने, एक गुरद्वारा साहब दे बाहर है, बाकी दीवार दे दूजे पासे है, किन्ने रुख ने जिन्हां सारिआं ने साडे गरीब नवाज गुरु हर राय साहब जी दे दर्शन कीते हन जी। सो महाराज हुण गुरुसर महाराज गुरु हर राय साहब जी जा रहे ने, बड़े चरण पाए महाराज ने गुरुसर महाराज। कदी विरले सिख ने जिहड़े इन्हां थावां ते जा के दर्शन करदे आ। गर्मियां आउंदियां, मणिकरण साहब नूं तुर पैंदे आ, हेमकुंड साहब नूं तुर पैंदे, मैं नहीं कहिंदा ना जाओ, जाओ जरूर जाओ, उह भी साडे सतगुरां दे अस्थान ने, पर इन्ने इन्ने महान अस्थान ने गुरुसर महाराज, बहुत सारे अस्थान, बहुत सारे अस्थान। पिछे जे असीं गए ते डॉक्टर गंडा सिंह जी साडे नाल ही सीगे, असीं फिर एवरेज कढ़ी भी किन्ने अस्थानां दे दर्शन कीते, ते 43 गुरुद्वारिआं दे दर्शन कीते जी असीं, 43 अस्थानां दे, सारे इतिहासक अस्थान जी, सारे इतिहासक अस्थान, कोई छेवें पातशाह दा, कोई सतवें पातशाह दा, कोई दसवें पातशाह दा। मालवे दी धरती ते तीन गुरुआं ने बहुत चरण पाए है, धन गुरु हरगोबिंद साहब, धन गुरु हर राय साहब, ते धन गुरु गोबिंद सिंह साहब। सो समा बने, उन्हां अस्थानां ते जाया करो, उत्थों दी चरण धूड़ लिया करो। हुण अगे महाराज मालवे च जा रहे हैं, अगला प्रसंग आपां कल नूं सरवण करांगे। भुल्लां दी माफ़ी बख्शिश करनी, प्यार नाल सारे गुरमंत्र च सुरतियां जोड़ो, गज के सारे आखो जी वाहे गुरु जप, वाहे गुरु वाहे गुरु जप, वाहे गुरु जप, वाहे गुरु जप, वाहे गुरु
जप वाहे गुरु, 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 जप वाहे गुरु, जप वाहे गुरु, जप वाहे गुरु, गज के जप वाहे गुरु, जप वाहे गुरु, जप वाहे गुरु, वाहे गुरु, जप वाहे गुरु, सच्चे पातशाह मेहर करन थारे गज के कहो धन धन श्री गुरु हर राय साहिब जी महाराज, धन धन श्री गुरु हर राय साहिब जी महाराज। अगों सच्चे पातशाह श्री गुरु हर राय साहिब जी मालवे दे विच अगों पहुंचे हन। महाराज जी की अगली कथा कल दे दीवाना दे विच सुनांगे। बेअंत प्रकार दियां भुल्लां होईयां ने, भुल्लां दी आप जी माफी बख्शिश करनी। सब संगत प्यार नाल गज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।